इसमें दिया है ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ओके ओके वेदांत शिर्क इज ऑल्सो देयर. चलो अब हम क्वेश्चन पर फोकस करते हैं. इट्स वेरी इजी. ओके सो ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ओके एंड वेयर हिज फ्रेंड बी जॉइंड हिम. ओके तो एक एक करके या इट्स वेरी इजी वेरी हाँ इट्स वेरी इजी. तो हम लोग क्या करते हैं एक एक करके हम लोग लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. ओके तो हम लोग साथ साथ में डायग्राम भी बनाते हैं. तो किस तरीके से डायग्राम बनेगा वो आप देखिए. ओके सो ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस. ओके ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस. सो लेट मी ड्रॉ डायग्राम फॉर यू. ठीक है आपके लिए डायग्राम बना लेता हूँ. तो आप देखिएगा ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस. सपोज दिस पॉइंट आई हैव टेकन. ठीक है दिस इज ओके ही हैज स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्ड व्हाट इज गिवन एंड वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. दिस आई हैव टेकन फॉर रेफरेंस. ठीक है ये आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए मैंने लिया है. ठीक है तो ए से हम लोग जाते हैं 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ठीक है सपोज इतना हम गए एंड दिस इज 20 मीटर. सपोज इतना 20 मीटर है. ओके लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. अच्छा फिर क्या है वेयर हिज फ्रेंड बी जॉइंड हिम. ओके तो इसी पॉइंट में नाउ बी इज ऑल्सो देयर एट दिस पॉइंट. ठीक है यहाँ पर बी भी मिल गया तो यहाँ पर ए और बी दोनों हैं. ओके नाउ ए एंड बी आर टुगेदर देयर एट दिस पॉइंट. ओके देन वेयर इज फ्रेंड बी जॉइंड हिम. ओके दे टुगेदर वॉक 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन. इसके बाद ये आगे 10 मीटर गए. सपोज दिस इज 10 मीटर. ओके तो इस पॉइंट में पहुंचे. ओके ए एंड बी टुगेदर साथ में ही है. ओके उसके बाद देन ए टर्न्ड लेफ्ट वाइल बी टर्न्ड राइट. तो ए टर्न लेफ्ट तो ऊपर की तरफ ए गया है नीचे की तरफ बी गया है. ठीक है ओके देख लेते हैं कितना कितना. ऐसे एरो मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर की तरफ ए नीचे की तरफ बी. ओके राइट लेफ्ट आपने ध्यान रखना है. व्हाट आई हैव सेड जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूँ हमेशा डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आपसे तभी अच्छे से होंगे When you will consider yourself on the board या on the screen right now. ठीक है अगर आप लैपटॉप में देख रहे हैं या अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो आप अपने आप को सोचो कि आप स्क्रीन पे खड़े हो और अगर आप खड़े हो तो आप फिर आपका लेफ्ट कहाँ होगा फिर आपका राइट कहाँ होगा फिर आपको डायरेक्शन अच्छे से समझ में आएगा. ओके ठीक है तो अब इसके बाद क्या कहा. ठीक है ए टर्न लेफ्ट एंड बी टर्न राइट एंड ट्रैवल 2 मीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली. मतलब ए तो 2 मीटर जाएगा और बी 8 मीटर. तो ए तो गया 2 मीटर सो दिस में ये 2 मीटर है और बी गया 8 मीटर तो इसको 8 मीटर कुछ लगभग इतना हम लोग बना लेते हैं. ठीक है ओके अच्छा देन अगेन बी टर्न लेफ्ट टू ट्रैवल 4 मीटर. बी टर्न लेफ्ट अगेन यू हैव टू कंसिडर योर सेल्फ ऑन द बोर्ड. ठीक है लगता राइट की तरह है लेकिन बी का लेफ्ट यहाँ होगा. ओके तो बी कहाँ की तरफ गया लेफ्ट की तरफ. ठीक है बी टर्न लेफ्ट टू ट्रैवल 4 मीटर्स. तो इतना मैंने सपोज 4 मीटर दिखा दिया इतना 4 मीटर्स. ठीक है डायरेक्शन ध्यान रखना एरो आई एम शोइंग इट विथ एरो. ठीक है एरो डायग्राम. ओके तो बी के बारे में हमें कंडीशन दी है कि बी टर्न लेफ्ट टू ट्रैवल 4 मीटर फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट टू हिज टू रीच हिज ऑफिस और फिर फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट. फिर राइट मुड़ा और 5 मीटर गया. सपोज दिस इज 5 मीटर. ठीक है और वो अपने ऑफिस पहुंच गया. यहाँ पर बी अपने ऑफिस पहुंच गया. ये बी का ऑफिस है. ओके गेटिंग माई पॉइंट. अब उसके बाद क्या दिया है ए के बारे में दिया है. अच्छा ए टर्न राइट एंड ट्रैवल 12 मीटर. ए ने राइट लिया और कितना मीटर गया 12 मीटर. ओके सपोज इतना 12 मीटर है. ठीक है ओके अब क्योंकि मैंने 4 मीटर इतना लिया है तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन 12 मीटर. ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा और 12 मीटर राइट टर्न लेने के बाद 12 मीटर चला और अपने ऑफिस पहुँच गया ए. तो सपोज ए अपने ऑफिस पहुंच गया. ओके अब आपसे क्या पूछा गया है. अब आपसे पूछा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफिसेस. दो ऑफिस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बतानी है. ठीक है तो थोड़ा सा मैं इसमें कंस्ट्रक्शन करूँगा एक्स्ट्रा. दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है स्ट्रेट लाइन. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है. दिस राइट एंगल ट्राइंगल इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है ये राइट एंगल ट्राइंगल है
और ये आपको डिस्टेंस ये निकाल के देगा, ठीक है। ओके, इसको मैं अलग से भी बना सकता हूँ आप लोगों के लिए। आई कैन ड्रॉ दिस ट्राइंगल लाइक दिस अलग से, ठीक है। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, सपोज दिस इज पॉइंट ओ, तो आपको ए बी वाली डिस्टेंस निकालनी है, ए का ऑफिस और बी के ऑफिस के बीच में। अगर मैं ओ ए की बात करूँ तो ओ ए, दिस पॉइंट इज ओ सपोज, तो ओ ए कितना हो जाएगा, सी दिस होल इज 12 मीटर और ये जो शुरू वाला पोर्शन है दैट विल बी इक्वल टू 4, सो 12 माइनस 4 विल गोइंग टू गिव यू 8, तो ओ ए हो गया 8। उसी तरीके से हमें ओ बी निकालना है दिस, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको, दिस इज दिस जो जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज ओ बी और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी, अच्छा व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ओ बी, हु विल गोइंग टू टेल मी, इफ यू ऑल आर एक्टिव प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ओ बी। ओ बी कितना होगा, देखो ये 2 मीटर है, नीचे 8 मीटर है, टोटल इतना तो 10 मीटर हो गया और नीचे फिर 5 मीटर और है, तो कितना हो गया, 15 मीटर। ओके अब आपको ए बी निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। सो ए बी स्क्वायर मैं बल्कि लिख लेता हूँ यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो 15 स्क्वायर इज हाउ मच, ओ बी इज 15, वेरी गुड। यस श्वेता त्रिपाठी, अविनाश चौहान, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सो 15 स्क्वायर इज हाउ मच, 225 प्लस 8 स्क्वायर इज हाउ मच, 64। अगर आप इसको ऐड करोगे सो हाउ मच यू विल गोइंग टू गेट, यू विल गोइंग टू गेट 289। तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया, 289। इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 289, सो अच्छा व्हाट इज द रूट ऑफ 289, सो ए बी कितना आ गया, 17 मीटर। ओके ए बी इज 17 मीटर। ओके सो ऑप्शन में 17 इज गिवन टू यू, ठीक है। सो 17 मीटर विल बी द राइट आंसर, द डिस्टेंस। सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम एट द एंड। ओके